हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तानी टिकटॉक्स आर वर्स देन इंडियन टिकटॉक्स। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद ना बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारे दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें एक जो पॉइंट था कि इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, तो इंडिया में इंडिया के लोग तो बना नहीं सकते, अब नहीं बना सकते। अब पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान में अभी भी अलाउड है टिकटॉक की नहीं, ये मुझे पता नहीं है। अगर अलाउड है तो ऑफकोर्स वो लोग बना रहे हैं और यहाँ के नहीं आ रहे, मगर नॉर्मली फिर इंडिया की पब्लिक देखेगी नहीं। चलो मैं कैसे पुराने वालों के साथ कंपेयर कर देना जब इंडिया में बनते होंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या तोड़ दी एक्टिंग थी, अच्छा साउंड इफेक्ट हो रहा। We are back with your favorite TikTok। तो हमेशा की तरह इस बार भी मेरे घर के बाहर भीड़ जमा हो गई कि थगेश भाई आपने बहुत टाइम से टिकटॉकर्स पे वीडियो नहीं बनाया। And I was like, okay, झेल लेंगे थोड़ा। सी टिकटॉकर्स पे वीडियो बनाना इज लाइक स्लमडॉग मिलियनेयर का वो अमिताभ बच्चन वाला सीन, जहाँ पे उसको अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ लेने के लिए टट्टी में कूदना पड़ता है। बेसिकली अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ है मेरा कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और उसके लिए मेरे को टिकटॉक की टट्टी में तैर के निकलना पड़ता है, तब जाके हमको मिलता है एक वीडियो। तो आंखों में सैनिटाइजर मार के लेट्स स्टार्ट। मेरे इसे स्टाइल मारने गया चश्मे के साथ, लेकिन ओनली वन थगेश। एक मिनट, ये साड़ी वाला अनिल कपूर तो नहीं है ना? जब मैं अपने माता पिता को भूल जाने का बदला। पाकिस्तान में पता है, लेकिन इंडिया में इसको दीवानी नहीं, इसको ऑसिस्ट बोलते हैं। जब शरीर में कोई आत्मा आ जाती है ना, जिस हिसाब से मुंडे हिला रहे हैं ना, इधर जख्म हो जाएगा। पाकिस्तानी गाने का इसके डांस का कोई लेना देना ही नहीं है भाई, बस इसको अपने रेशमी बाल बताने थे। इस बंदे की हर वीडियो सिर्फ बाल के साथ खेलता रहता है। कभी कभी तो शक होता है कि असली केश वाला मैं हूँ या ये है। वाइफ खराब कर रहा है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तेरी कुड़ी है केड़ा बोला के नारी कुड़ी है नीतू के नारी कुड़ी। शायद इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी नौजवानों की हालत बहुत ही खराब है। बाप रे, समझ नहीं रहा, छोटी बच्ची बनके क्यों घूम रहा है? तो बच्ची भी नहीं, मैकडोनल्ड्स का पुतला लग रहा है। इधर का पता नहीं भाई, इधर तो बच्चों की साइकिल चुराई ना। तो वही है ना, लिविंग ऑन द एज वाला। फनी थिंग इज, इतने स्क्रिप्टेड रियलिटी शो में जाके भी तेरे को एक्टिंग नहीं आ रही है। ऐसा मत करो, तुमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तुम्हारे चक्कर में वो वकार का उधर मार भी खा रहा है। सद्दू का निशाना जो है वकार काका को बनाया है। एक तो ये फ्रेम में खड़े दोनों लोगों में इतना कंफ्यूजन है ना कि मर्द कौन बना है और औरत कौन बना है। लड़की की लाइन कोई और बोल रहे, लड़के की लाइन कोई और बोल रहे। मेरे को लग रहा है कि अर्जुन कपूर भी अच्छा एक्टिंग करता है। अर्जुन कपूर घर पे आके मारेगा। मिर्ची खा रहे
इंडिया में पोपट हो और पाकिस्तान में सेम पोपट ना हो तो कैसे चलेगा यार? घंटे को मिर्ची कम पड़ रही है तो मसाला भी खा ले सकते हैं। पनिशमेंट देते हैं ना, ज्यादा मुंह में हाथ डालते हैं तो मिर्ची पाउडर लगा देते हैं, उसके बाद वही हुआ रहेगा। खाओ अभी, मुंह जलेगा और कल तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करना। देख कैरिमिनेटी वाला चश्मा डाल के व्यूज नहीं आते, ट्राई किया ये स्वैग नहीं होता, ये स्वैग है। मुझे सर मैं कितने जुए निकालता हूँ, फिर कहाँ से आ जाते? इधर क्या कर रहा जुए निकालेगा? ये ले वीडियो है, दूर जाके मार क्या है? ऐसे कोई जुए दिखता है? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं आईफोन। एन अपील टू एवरी पेरेंट वॉचिंग दिस, अगर आपका बच्चा, अगर आपकी बेटी आपको बोले कि उसको कुत्ता पालना है तो प्लीज पालने दो, प्लीज पालने दो उसके पहले कि वो जू पाले। एंड लोग सही बोलते हैं कि कुछ लोग अभी भी इवॉल्व नहीं हुए, अभी भी वो बंदर वाले फेज में ही है। इतना जल्दी जू तो बंदर भी नहीं निकालते है। क्या आइडिया निकाला है बनाने? अजीब जानवर है। दिमाग चलता कैसे इतना? भाई मेरे दिमाग में मजबूत आइडिया है, मैं अकेला एक रूम में बंधू, वहाँ पर 100-200 सांप, एक स्टोरी एंड स्टोरी में भाई मैं दरवाजों के आर पार घुस सकता हूँ। मेरे को लगता है करण जौहर एक्टर्स को ऐसी स्क्रिप्ट सुनाता होगा, बाद में मूवी ऐसी बन के निकलती है। भैया फुल रीमेक बाजी, इट्स लाइक आप चांदनी चौक टू चाइना मूवी का रीमेक कर रहे हो। सर्दी का मौसम है, नवंबर का महीना है, अरे भाई तुम जलते हो तो दान देखे कैसे हुए हैं? क्या हो गया? जो हो गया जाने दो। गली सर भी एग्जैक्ट यही सोचते होंगे वीडियो बनाने के लिए। क्या क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते मतलब। क्या हो गया? पोस्टर जो हो गया जाने दो। कौन से एक बार वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो वीडियो जाना ही है इंस्टा पे। अज मेला वेखन आईया कुड़िया पेड़िया दिया लौंडे की लाइफ में कोई टेंशन नहीं, घर वाले मर जाए अपन तो झूला झूलेंगे। ये ऐसा बंदा है ना, ये सेंटा क्लॉस को गिफ्ट देता रहेगा। ये ऐसा बंदा है जो अपने बच्चों से पैसा मांगता रहेगा कि मैंने तुमको पैदा किया है, मेरे को पैसा दो। ये बंदा नाई के पास जाके नाई के बाल काटता होगा। मैं तो पहले से बोल रहा था ये पड़ोसी दो नंबर का धंधा करता है। तो कल मुहा मुझे तो बोला मैं बिजनेसमैन हूँ। कल सुन मेरी तू मटे आ रे की समझे अपने आप ने। मान तो तू किसी की आया नहीं, अब क्या हुआ चुप क्यों बैठा है? अरे यार ऐसा कैसे? क्या मूवी बनाते रिवर्स में जा रहे, क्या बनाते? ड्रीम के अंदर, ड्रीम के अंदर, ड्रीम रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशनशिप। समझा आप देखते क्या मुझे
टैक्सी खड़ी है सब लोग उसको नीचे गया ना कुछ तो मेरे को तो वो मिले आपको मैजिक स्लो मोशन में बताता हूँ स्मार्ट रह रहे हो भाई का महेश भट्ट की मूवीज में भी सेम होता है ये महेश भट्ट की मूवी के गाने जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं ये महेश भट्ट की मूवीज की स्टोरी क्या हो रहा है मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा इतने मार हैं स्मोक इफेक्ट चाहिए था स्मोक भाई ने सीधा मुंह पे पाउडर मार दिया स्मोक इफेक्ट के पाउडर मार रहे भाई जी प्लीज मुझे एक लाइक कर दो साथ फॉलो भी कर दो अजीब जबरदस्ती है ये वही लॉन्डे आशिक Unlike Facebook, Twitter, and Instagram, unlike Twitter, you don't have to be literate in order to use those apps. I think that's it for today. अगर आपको चाहिए कि पाकिस्तान का टिकटॉक स्कोर रिव्यू करूं, तो मेरे को नीचे कमेंट जरूर करेंगे. तो मेरा फेवरेट काम है. तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं ना कि और आपको ये करने हैं मैं तो कह रही हूँ प्लीज मत करो इनको देख के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहे थे मतलब इस लेवल के थे कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था करना क्या चाह रहे हैं क्या अचीव क्या कर रहे हैं मेरे तो और कईयों में तो इन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया जहां एक्सप्लेन किया तो थोड़ा समझ में आया पर ओ माय गॉड मैं तो कह रही हूँ बहुत ही मतलब अजीब से थे और ऐसी सोच कहां से आ रही है किसी के दिमाग में मेरे समझ में नहीं आ रहा और सबसे गंदा मुझे वो जू आना लगा इट वॉज लाइक सिक इट वॉज लिटरली सिक कि मतलब आप कैसे सोच सकते हो ये आइडिया भी कि पहले आपने उसको निकाला फिर उसको पकड़ा के दे रहे हो कि जा कहीं जाके पता नहीं दूर जाके या कहीं जाके उसको मारो और वो कह रही है मैं तुझे मारूंगी नहीं और वापस अपने सिर के अंदर डाल लेती मैं तुझे मारूंगी तू मेरा ही खून है ये भी बोला और भी एक स्टेप ज्यादा और फिर अपने सिर पे वापस डाल दिया आई हैव नो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है इसके बारे में कुछ बोलने के लिए राइट नहीं लास्ट में जो वॉइस वाली लेडी ने कहा था वो सही था लग रहा है कि इन एप्स के लिए आपको कोई भी लिटरेसी नहीं चाहिए मतलब आपको कोई भी एजुकेशन नहीं चाहिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं अब वो बात अलग है मगर पॉइंट ये देखिए जिसने टूल बनाया है ऐप बनाया है वो तो अच्छी है मगर उस ऐप को कि इंस्टेंट की लोग किसी अच्छे काम के लिए यूज करें ऐसे ही फालतू कामों के लिए यूज कर रहे हैं जैसे एक भाई साहब थे जो अपने बाल काट रहे थे और बोल रहे थे लाइक करिए तो मतलब खून वाले भी हाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर उनके ये टिकटॉक्स चल रहे हैं तो सोसाइटी को एग्जामिन करना पड़ेगा कि चल क्या रहा है कि अगर ऐसे मतलब बोगस बोगस चीजें हैं और अगर उनमें बड़े सारे हिट्स आ रहे हैं तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा सोसाइटी को और वो इसीलिए मेरे ख्याल से यही पॉइंट था कि वो कुछ ऐसे टिकटॉक ले रहे हैं जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं और उनका कहना तो ये है कि मैक्सिमम गए गुजरे हैं परंतु उन्होंने कुछ लिए उनमें से और वो दिखा रहे हैं गए गुजरे वालों को तो ठीक है मतलब बन रहे हैं कोई ऐसी इसमें कोई भी मतलब जो भी इंसान है अगर आप किसी को भी कोई टूल देते हैं और वो ऐसे यूज कर रहा है तो और दुनिया देख रही है तो ये रुकना चाहिए मेरे ख्याल से लोगों को देखना चाहिए कि अगर टू मच कोई बकवास है तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और अपने टेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए मगर इन्होंने दिखाए बड़े देखने में मुश्किल हो रही थी कईयों को तो मुझे तो हो रही थी बहुत नहीं देखा जा रहा मेरे तो टॉलरेट नहीं हो रहा था तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए